नमस्कार दोस्तों, आज मैं ओरिजिनल महाभारत किताब पढ़ के बताऊंगा कि अर्जुन का जन्म कैसे हुआ था, क्योंकि टीवी सीरियल पे सच्चाई नहीं दिखाया जाता। इससे पहले युधिष्ठिर और भीम के जन्म के बारे में वीडियो में पहले बना चुका हूँ। अर्जुन के जन्म के विषय में किताब में क्या लिखा है आप खुद ही देखिए। भीम के जन्म के बाद कुंती ने पांडु से कहा, मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान हैं, उनमें अतः बल और उत्साह है, ये बड़े पराक्रमी और अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके एक महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। ये मुझे जो पुत्र देंगे ये निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों जैसे दैत्य दानव आदि को मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। उसके बाद कहते हैं, ऐसा निश्चय करके कुरुनंदर महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह लेकर कुंती को सुखदायक व्रत का उपदेश दिया और भारत वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्रवृत्ति को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे, अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। ऐसा टीवी सीरियलों में नहीं दिखाया जाता, टीवी सीरियल में काफ़ी घुमा फिरा के दिखाया जाता है, लेकिन सच आप खुद पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, उसके बाद इस तरह दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए, मतलब पांडु के समीप में आए जो अब तक देवराज इंद्र का तप कर रहे थे, और इस प्रकार बोले, राजन मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा, वो ब्राह्मणों गौओं शोधों अविष्ट मनोरथों को पूर्ति प्राप्त करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करूंगा। देखिए उसके बाद लिखा है, आशा करता हूँ आप भी पढ़ रहे होंगे मेरे साथ, आपको भी रुचि आ रही होगी। तो उसके बाद पढ़िए, वो फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों में संधि काल में उत्पन्न हुआ, मतलब अर्जुन उस समय प्राप्त हुए। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ, इसलिए अर्जुन का एक नाम फाल्गुनी भी है। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गूंजती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबंधित करके समस्त प्राणियों और आश्रम वासियों के सुनते हुए अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा, कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तिवेर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारी यश का विस्तार करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कोई बना चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब मैंने मोबाइल पे अपलोड किया हुआ है। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देव माता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार ये विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। तुम्हारा ये वीर पुत्र कुरु शोमक छेदी काशी तथा कुरुप नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के मेद का आस्वादन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। यह महाबली श्रेष्ठ बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमि पालकों को जीतकर भाइयों के साथ तीनों अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दाएं तरफ, आप आशा करता हूँ इसको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, कुंती वो ये बालक परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा।
यह युद्ध में देवादिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त करेगा। और ऐसा हुआ भी था, आकाशवाणी का भविष्यवाणी सच हुआ था। निवाज कवच नामक दैत्य देवताओं सदा द्वेष रखते हैं, तुम्हारा ये महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञाओं पर उन सब दैत्यों का संहार करेगा। और ऐसा किया भी था, ऐसा टीवी सीरियल में नहीं दिखाया जाता। तो दोस्तों देखिए उसके बाद, तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा, ऐसा आकाशवाणी कह रहे हैं। कुंती ने यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी और मुनियों और विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूहों को बड़ा हर्ष हुआ। तो दोस्तों ये थी अर्जुन की जन्म की कथा, महानायक अर्जुन के जन्म की कथा। ये थी हमारी आज की छोटी सी टॉपिक, मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।